सनातन हिंदू धर्म में गंगा दशहरे का विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जीवन दायिनी माँ गंगा जी आज ही के दिन धरती पर अवतरित हुई थी और राजा भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार किया था। यही वजह है कि गंगा दशहरा बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस साल गंगा दशहरा 16 जून 2024 को है। इस दिन दशमी तिथि सुबह 2:32 पर शुरू होकर 17 जून 2024 को सुबह 4:43 तक रहेगी और गंगा दशहरे पर हस्त नक्षत्र सुबह 11:13 तक रहेगा। इस दिन गंगा स्नान के लिए सुबह 7:08 से सुबह 10:37 का शुभ मुहूर्त है। कई बार गलती से भी हम कुछ ऐसे कार्य कर बैठते हैं जिन्हें पाप कर्मों की श्रेणी में रखा जाता है और इन पापों से मुक्ति के लिए भी आपको गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। गंगा दशहरा पर शरबत से भरा मिट्टी का कलश भी दान कर सकते हैं। इससे इंसान को सभी पापों से मुक्ति भी मिलती है और मृत्यु के बाद मोक्ष गति की प्राप्ति होती है। इस पर्व पर गाय का दान करना महादान माना गया है। इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि की शुरुआत 16 जून को देर रात 2:32 पर होगी और वहीं इसका समापन 17 जून 2024 को सुबह 4:43 पर होगा। ऐसे में गंगा दशहरा 16 जून 2024 को ही मनाया जाएगा और गंगा स्नान भी आपको 16 जून 2024 को ही करना है। इस दिन गंगा स्नान अवश्य करें। जो लोग गंगा स्नान के लिए नहीं जा सकते हैं वो घर में रहकर ही नहाने के पानी में गंगा जल डालकर माँ गंगा का ध्यान करके स्नान कर सकते हैं। इससे भी गंगा स्नान करने का पुण्यफल मिलता है। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। इस दिन माँ गंगा का अधिक से अधिक ध्यान करें और इस दिन दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। घर में रहकर ही माँ गंगा की आरती करें। इस पावन दिन माँ गंगा की पूजा अर्चना करने से सभी तरह के दोषों से मुक्ति भी मिलती है। माँ गंगा की पूजा अर्चना करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। जरूरतमंद लोगों को सफेद वस्त्रों का दान करना अधिक शुभ होता है। इससे कलेश दूर होता है। आप अन्न का दान भी कर सकते हैं। माना जाता है कि अन्न दान से धन धान्य में वृद्धि होती है और गंगा दशहरे पर शक्कर व स्वर्ण का दान अवश्य करें। ये लाभकारी माना जाता है। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। सादर धन्यवाद।